24 फरवरी की दोपहर में प्रयागराज का धूमनगंज इलाका धुआं धुआं हो गया। राजू पाल हत्याकांड की गवाह उमेश पाल को सरेआम भून दिया गया। इसके बाद से पुलिस इसके तलाश में लगी हुई कि आखिर इस घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया। पुलिस कहते हैं लॉ का एक छात्र सदाकत खान चढ़ा। प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में रहने वाले सदाकत पर प्लानिंग का आरोप लगा। उमेश पाल हत्याकांड में जांच कर रही यूपी एसटीएफ को एक अहम सुराग हाथ लगा जब सदाकत ताकत उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने सदाकत नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया। गाजीपुर के गहमर इलाके का रहने वाला सदाकत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी का छात्र है और मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के रूम नंबर 36 में रहता था। ये वो कमरा है जिस कमरे में सदाकत रहता था, जो उसको अलॉट था। बताया जा रहा है कि इसी कमरे के अंदर बैठ करके उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जो शूटर्स थे वो यहाँ आते थे, यहाँ बैठते थे, पूरी कॉन्स्पिरेसी रची जाती थी। कौन शूटर गाड़ी से आएगा, कौन किस हथियार से आएगा, कौन क्या चलाएगा, इस सब की पूरी जानकारी, जो पूरी मीटिंग थी वो इसी रूम में होती थी। और अब UPSTF ने सदाकत को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद तमाम ऐसे राज सदाकत ने उगले हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस और UPSTF उमेश पाल हत्याकांड में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी कर सकती है। आरोप यह है कि कमरा नंबर 36 में ये तय हुआ कि कब गोली मारी जाएगी, कब बम फेंका जाएगा और कब धूमनगंज को धुआं धुआं किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर हॉस्टल जहां पढ़ाई होने चाहिए वहां बम बारूद की प्रैक्टिस क्यों हो रही है। हॉस्टल के अधीक्षक इरफान खान का कहना है कि सदाकत को हॉस्टल खाली कर देना था। पुलिस ने एक बार बाहर भी निकाला था लेकिन सदाकत फिर ताला तोड़कर कमरे में पहुंच गया। उमेश पाल हत्याकांड में UPSTF ने सदाकत नामक लड़के को गिरफ्तार किया। सदाकत मुस्लिम हॉस्टल के रूम नंबर 36 में रहता था। हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम हॉस्टल के अधीक्षक इरफान साहब भी हैं। ये बताइए कि ये कब से रह रहा था रूम नंबर 36 में और कितने लड़के यहाँ पर रहते हैं, सदाकत के बारे में क्या जानकारी है? सर, सदाकत तो ला के स्टूडेंट है CMP डिग्री कॉलेज में और दो साल पहले उन्होंने ला कल कंप्लीट कर लिया था। उनको हॉस्टल छोड़ना चाहिए था मगर उन्होंने छोड़ा नहीं हॉस्टल। पुलिस से मैंने शिकायत की प्रशासन से तो पुलिस प्रशासन ने रेड डाला, इनका कमरा सील किया और 5-6 कमरे और सील किए। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये लोग दोबारा ताला तोड़ के फिर रहने लगे थे हॉस्टल में, अवैध तरीके से फिर से रहने लगे। जी, अवैध तरीके से दोबारा फिर रहने लगे थे, मना करने पे लोग मानते नहीं थे। अच्छा, इस हॉस्टल में क्या मतलब कितने कमरे, कितने बच्चे रहते हैं, कितने लोग इसी तरीके से सदाकत की तरह रहते हैं? हॉस्टल में सर 110 कमरे हैं, 60-65 बच्चे अभी भी अवैध तरीके से रह रहे हैं सर। अच्छा जी, तो इसमें आप आगे शिकायत नहीं करते? शिकायत सबसे ज़्यादा शिकायत मैं यूनिवर्सिटी में ही करता हूँ सर, मेरे इतना कोई नहीं करता होगा। मैं तो लड़कों के डायरेक्ट उनके बहाने में FIR भी करता हूँ। अच्छा। और उनके खिलाफ एक्शन भी होता है मगर फिर कुछ दिन बाद फिर आके रहने लगते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। क्या कहना है सर? सदाकत की बात करें तो सदाकत का व्यवहार कैसा था, क्या मतलब जिस तरीके से अभी हत्याकांड में नाम आ रहा है तो ये तो लग रहा है जैसे बड़ी आपराधिक साजिश में था शामिल। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है सर, बहुत खेद है मुझे इस बात का। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और मेरे हॉस्टल का नाम आ रहा है, बदनाम हो रहा है, मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा अफसोस है। और सदाकत तो खैर लड़कों से बड़े प्यार से मिलता था, सीनियर की तरह करता था, बात करता था, हमसे भी कभी बदतमीजी से नहीं किया, मगर यह कि मुझे इस बात का बहुत खेद है कि यह घटना होनी नहीं चाहिए थी, बहुत अफसोस है। ये जिस तरीके से डॉक्टर, ये जो सदाकत है, सदाकत इस कमरे में रह रहा था, फिर एक वही सवाल है कि इस कमरे में जब वो रह रहा था तब आप लोगों ने किस किस से शिकायत की है? एक्चुअली सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन और जिला प्रशासन से हम लोगों ने शिकायत किया था। प्रशासन ने रेड डाली थी, इनको बाहर निकाला भी था, हम लोगों ने मना भी किया था मगर दोबारा फिर ताला तोड़ के लोग रहने लगे थे। तो गुंडई से? जी, गुंडई बदमाशी से लोग रहने लगे थे। गुंडई हुई इस तरह से ना, अगर मना कर रहे हैं दोबारा से ताला तोड़ के रह रहे हैं और सील कमरा तोड़ रहे हैं आप लोग, तो गुंडई हुई ना। कब तो आप लोगों ने फिर उस पर के बाद नई पुलिस को सूचना दी? किए तो सर, सूचना देने के बाद भी अब देखिए कोई एक्शन नहीं हुआ। एक लड़के को सज़ा भी मिली, उसके बाद दोबारा फिर आके रह रहा, तो कितना सर क्या करें हम ही। अब सर मुझे खुद ही कुछ लड़के धमकाते रहते हैं, मैंने जान का खतरा भी बताया, मेरे साथ भी कुछ नहीं है, देखिए अभी आप लोग चले जाएंगे अब मैं अकेला पड़ रह जाऊँगा, तो मुझे भी सर अफसोस होता है इस बात का। जी,
ये हॉस्टल अधीक्षक हैं डॉक्टर इरफान हैं, जिनको कहना है कि यहाँ पर जो मुस्लिम हॉस्टल है उसमें तमाम बच्चे, सदाकत भी उनमें से एक था जो अवैध ढंग से रह रहा था, जिसको हॉस्टल से बाहर कर दिया गया, लेकिन जब हॉस्टल प्रशासन ने उसके हॉस्टल के रूम नंबर 36 में ताला लगा दिया तो ताला तोड़कर गुंडई करके उस हॉस्टल में रह रहा। हालांकि इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया गया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। प्रयागराज से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।